ये जो भी प्रेप है ना, उसे मैं आर्यन को हर सुबह पिकअप करने से काफी ज्यादा एसोसिएट करने वाला हूँ। अगर लेसन्स की बात की तो मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक नया ट्रेनिंग पार्टनर मिला है। जैसे मैं और नील 2021 साल में हर सुबह ट्रेन करते थे, मुझे काइंड ऑफ उस टाइप की फील आ रही है। ऐसा लगा था बीच में 2022 और 2023 में कि वो चीज़ मेरे जिम लाइफ से थोड़ी सी मिसिंग थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रेनिंग सेशंस अच्छे नहीं गए, मुझे हमेशा अकेला ट्रेन करना ही पसंद है, पर जब एक बचपन का दोस्त ऐसे साथ में जिम आता है और जब मुझे उसकी जर्नी दिखाई देती है तो आई फील लाइक मैं भी उससे बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। सीइंग द वे आर्यन इज प्रोग्रेसिंग इन द जिम, बाप रे, उसके सारे लिफ्ट ऊपर गए हैं। एक महीने में उसने बॉडी बिल्डिंग टेक्निक मास्टर किया है। सेम जैसे हम ट्रेन करते हैं ना, स्लो इसेंट्रिक्स, डीप स्ट्रेच, डीप पॉज, बियॉन्ड फेलियर वाली ट्रेनिंग, वो सारे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स उसने एग्जैक्टली एक महीने में सीखे है और अब वो उन प्रिंसिपल्स को हर ट्रेनिंग सेशन में मास्टर कर रहा है। दैट ऑल्सो ब्लोज माई माइंड अ लिटिल, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स मेरे ब्रेन के अंदर रजिस्टर होने के लिए बहुत सारे साल लगे थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरे 16 साल के वर्जन को मेरे इस वाले वर्जन ने ये सारे टिप्स और ट्रिक्स तब बताए होते तो आज हमारी फिजीक 6.5 सालों के बाद कैसे दिखती। टेक्निकली मैंने बहुत टाइम, मुझे वेस्ट ये वर्ड इतना पसंद नहीं है बिकॉज मुझे अभी जो भी पता है वो उन सारी गलतियों की वजह से ही पता है, पर आई डू फील लाइक मैंने 3-3.5 साल वेस्ट किए इन अ वे ऐसे गोल्स पे जो मुझे चाहिए ही नहीं थे। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की वो हमेशा एस्थेटिकली अच्छा दिखने के लिए था, वो बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस के लिए था, तो मैं इतना स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, 1 रेप मैक्स ये सब क्यों करता था। आई गेस आई डिडंट नो एनी बेटर, पर वही इस चैनल का गोल है, ताकि आप सबको अपनी ट्रेनिंग जर्नी में स्टार्टिंग में ही एक हेड स्टार्ट मिले। अगर मैं सिर्फ 10 लोगों का टाइम सेव कर सकता हूँ, आई फील लाइक आई हैव डन माय जॉब। जाके आर्यन को पिकअप करते हैं। ओह शिट, मुझे ये व्हीकल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एस्पेशली एक स्लोप पे ना थोड़ी फट जाती है, उनके इतने पार्ट्स होते हैं जो हिलते रहते हैं ऐसे, ये और वो JCB। आर्यन का फोन आ रहा है। कल हमारा गोल था 600 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम करना, वो हमने सक्सेसफुली समहाउ किया। पेट की काफ़ी ज़्यादा वाट लगी, मुझे रिफीड डे के पहले ऐसे लगा था कि ये बहुत सिंपल टास्क होगा, पर मेरे खाना खाने की आदत पूरी तरीके से चली गई है, सो इतना आसान नहीं था। मैं ऐसे लास्ट बाइट तक, ऐसे लास्ट बाइट बेस्ट बाइट उस स्टेज पे पहुंचा था मैं, एकदम चैलेंज था, पर हो गया। उसकी वजह से प्रोज क्या है, मैं 8.5 आवर्स के लिए सोया एंड आई कैन फील कि इतने सारे हफ्तों का जो भी स्ट्रेस था वो स्ट्रेस काफ़ी चला गया है इन दैट वन डे। पर आज के मैक्रोज की अगर बात की, आज के मैक्रोज की अगर बात की तो हमारे कैलोरीज कल के जितने हाई नहीं होने वाले, हम एक सरप्लस में टेक्निकली नहीं होने वाले, पर मैक्रोज कुछ ऐसे दिखेंगे, 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 30 ग्राम्स ऑफ फैट्स। फैट्स हमने एकदम बेयर मिनिमम पे इसीलिए रखे हैं क्योंकि फैट का 1 ग्राम 9 कैलोरीज कंटेन करता है, और अभी का गोल हार्मोनल हेल्थ वो सब नहीं है, इस दिन का गोल है फोटोशूट के 2 दिन पहले ग्लाइकोजन रिजर्व्स और भी फिल अप करना। तो जो भी हमारा कैलोरी बजट है उसमें से सबसे पहली प्रायोरिटी है प्रोटीन गोल कंप्लीट करना, विच इज़ 2.2 टाइम्स माई बॉडी वेट, थोड़ा सा फैट और बचे हुए सारे कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स में भर देना। न्यू शेकर जिम के पहले हमने लिया एक स्कूप वे, ये है मसल ब्लेस का आइसो जीरो लो कार्ब। ये वे आइसोलेट होने की वजह से पर स्कूप कम कैलोरीज कंटेन करता है, ये लैबडोर सर्टिफाइड है तो हम इसके प्योरिटी और एक्यूरेसी पे भरोसा रख सकते हैं। एनहांस्ड अब्सॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से मुझे इससे 50% ज्यादा प्रोटीन अब्सॉर्प्शन मिलता है। इम्प्रूव्ड प्रोटीन डाइजेशन की वजह से
कोई स्टमक डिस्कम्फर्ट नहीं आता। इसके हर सर्विंग से मुझे 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है विथ द कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल। इस आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चेकआउट पे साकेत30 जरूर इस्तेमाल करना। हैप्पी संडे। बेस्ट डे, बेस्ट डे। सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे हुआ, पर आई प्रोमिस ये प्लान नहीं था। डीप डाउन आई वॉज होपिंग कि रिफीट डे के जस्ट अगले दिन बाद एक चेस्ट डे आता है। कैसे तो करके हमारा 4 डे स्प्लिट मैच हुआ है, और कल के 600 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स के कंजम्पशन के बाद आज हम एक चेस्ट डे लगाने वाले हैं। दो मेन रीजंस है कि मुझे ये चाहिए था। सबसे पहले, अगर आप ग्लाइकोजन और अपने बॉडी वेट को कंसिडर करोगे तो इन माय ओपिनियन वो आपके सारे प्रेसिंग मूवमेंट्स के परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड होता है। अगर आप एक बल्क कर रहे हो और आपका बॉडी वेट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, तो अज्यूमिंग आप एक इडियट की तरह ट्रेन नहीं कर रहे, मोस्टली आपके सारे प्रेसेस की स्ट्रेंथ ऊपर जाएगी। और चेस्ट एंड शोल्डर्स डे पे हम एक हॉरिजॉन्टल प्रेस और एक वर्टिकल प्रेस लगाते हैं। दूसरा रीज़न, प्लेजर। चेस्ट पंप्स कंपेयर टू एनी अदर ट्रेनिंग डे बेस्ट होते हैं और हमेशा बेस्ट होने वाले हैं। तो 3 डिप्लीटेड डेज के बाद, 600 ग्राम ऑफ कार्ब्स के बाद तुम सब रेडी रहना। चेस्ट डे बेस्ट डे, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड एक और चीज़, अभी मैं अपने रोटेटर कफ्स वो सब वार्म अप कर रहा था, ये सारे वेन्स ऑलरेडी पॉप आउट हो रहा है, इसीलिए बस अगर आपके पास सीट बेल्ट है गाड़ी में, अगर आप ये वीडियो गाड़ी में देख रहे हो, सीट बेल्ट अच्छे से टाइटली बांधना, बिकॉज यू गाइज आर रेडी फॉर दिस। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम हमने एक ब्रेक डाली थी, सो 82 और 89 के बीच का इंक्रीमेंट हमने किया था, क्योंकि वो डिप्लीशन का पहला दिन था। स्ट्रेंथ वॉज इन देयर, परफॉर्मेंस वॉज इन देयर। आज हम 96 करने वाले हैं। फीलिंग अमेजिंग, देख लिया। बाय। 3 सेट के बाद मिलते हैं। Good reps only. 1 2 Not done yet. Easy. Leave. Slow. One more. Mm-hmm. Almost. That's so good though. Chest day, best day. चल पार्शल्स गए।
पुश पुश इजी पुश फुल फोर्स नॉट डन येट इजी 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 फोर्टी फाइव हाँ फिफ्टी किसी ने मेरे इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब पे कमेंट किया था कि एज लॉन्ग एज आप फेलियर तक जाते हो टाइम अंडर टेंशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करके मेरा जो ओपिनियन है वो समवॉट शेयर करना है. ये जो कमेंट था क्या ये कमेंट ट्रू है या फॉल्स है जनरल पॉपुलेशन के लिए. फॉर 99% ऑफ पीपल आई फील लाइक ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ट्रू है. किसी भी बिगिनर को या किसी भी लिफ्टर को जिसका गोल मसल ग्रोथ या हाइपरट्रोफी है उसको सबसे पहली चीज़ जो मास्टर करने की ज़रूरत है वो है अपनी इंटेंसिटी बढ़ाना, फेलियर के करीब जाना, फेलियर तक जाना या फेलियर के बियॉन्ड जाना. 99% ऑफ पीपल जो जिम में ट्रेनिंग लगाते हैं मसल ग्रोथ के लिए लगाने के बावजूद वो फेलियर तक बिल्कुल नहीं जाते. दे आरंट यूज्ड टू पुशिंग देमसेल्व्स एज हार्ड. सो उन सारे लोगों के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपने सारे सेट्स मस्कुलर फेलियर तक लेके जाना. पर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपने वो भी मास्टर किया है उसके बाद अगर आपको थोड़े से और बेनिफिट्स चाहिए तो इन माई ओपिनियन अगर आप टाइम अंडर टेंशन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग और फेलियर कंबाइन करोगे तो आई फील लाइक आपको बेहतर रिजल्ट्स दिखेंगे. मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन के ऊपर 10 या 20 रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स ये सब लिंक नहीं करने वाला क्योंकि आई फील लाइक मेरा जो भी चैनल है मैं यहाँ पर जो भी एडवाइस देता हूँ वो प्योरली एनेक्डोटल है. इसका मतलब वो सारा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपीरियंस से आता है. मैं हमेशा कहता हूँ जस्ट बिकॉज समथिंग वर्क्स डजेंट मीन देयर इज़न्ट समथिंग बेटर. यस फेलियर ट्रेनिंग से आपको इनक्रेडिबल रिजल्ट्स आएंगे, मुझे भी आए थे. पर अगर आप किसी भी सेट में 25 सेकंड्स में फेलियर तक पहुँचे हो वर्सेस अगर आप 45 या 50 सेकंड्स पे फेलियर तक पहुँच रहे हो तो वो ऑलमोस्ट डबल टाइम अंडर टेंशन हुआ. इसका मतलब आपका जो भी टारगेट मसल है वो ऑलमोस्ट डबल ड्यूरेशन के लिए एक स्टिम्यूलस से एक्सपोज है. आई डोंट नो अबाउट यू पर अगर मैं बहुत लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से सोचूंगा आई फील लाइक इट विल रिजल्ट इन मोर मस्कुलर ग्रोथ. इसके और भी अलग अलग यूनिक बेनिफिट्स हैं. आप ईगो लिफ्टिंग नहीं करोगे, आप इंजरी फ्री रहोगे. जब से मैंने ये स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग अडॉप्ट किया मुझे अपने किसी भी बॉडी पार्ट या किसी भी जॉइंट में कोई स्ट्रेस महसूस नहीं हुआ है. आई हैव बीन द सेफेस्ट आई हैव एवर बीन इन 6.5 years ऑफ ट्रेनिंग. और एक और चीज़ यह है कि यह आपको सचमुच हम्बल करता है और आपके दिमाग में जो पेन थ्रेशोल्ड है उसे सचमुच एक्सपेंड करता है. सो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपका बाप नहीं हूँ. अगर आपको स्ट्रांगली लगता है कि सिर्फ फेलियर तक जाना अच्छा है ग्रेट कीप डूइंग सो. पर मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अगर आप दोनों चीज़ें कंबाइन करोगे आई फील लाइक यू विल बी सेफर इन द लॉन्ग रन और आपको मसल ग्रोथ रिलेटेड थोड़े से बेहतर बेनिफिट्स दिखेंगे. Good reps only. Not done yet. Easy. Chal 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 chal. Mast.
पुश फुल फुल फोर्स 35 चल हम सबका एक इंडिविजुअल नंबर होता है। ये एक ऐसा नंबर होता है जो कंज्यूम करने पर किसी भी व्यक्ति का वज़न ना बढ़ता है ना घटता है। इस नंबर को हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अगर मैं हर दिन इस नंबर से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करूँगा तो मैं एक कैलोरी सरप्लस में चला जाऊँगा और ओवर टाइम मेरे बॉडी के ऊपर बॉडी फैट और बॉडी वेट ये दोनों बढ़ेगा। अगर किसी को फैट लॉस करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इस नंबर यानी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम करना और एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में एंटर करना। एक कैलोरी डेफिसिट एंटर करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल रास्ते होते हैं। सबसे पहले हम हमारा डेली फूड इनटेक कम कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन हम हमारी डेली एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। प्रेफरेबली इन दोनों ऑप्शंस में से मैं अपनी डेली एक्टिविटी बढ़ाना हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और इन माय ओपिनियन द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो एनीबडी कैन डू इज़ वॉकिंग। इस क्लिप में मुझे ये बात करनी है कि थ्रू आउट प्रेप इन पिछले 11 हफ्तों में मैंने वॉकिंग को कैसे इस्तेमाल करके एक डेफिसिट क्रिएट किया। सबसे पहली चीज़, अगर आपको चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है तो एक सस्टेनेबल स्टेप गोल चूज़ करो जो आप हर दिन हिट कर सकते हो। ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। लेट्स से आप 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे हिट कर सकते हो तो फैट लॉस की फेज़ शुरू करने के लिए मेरी सबसे पहली एडवाइस होगी आपके मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करो और जो भी डेफिसिट क्रिएट करना है वो वॉकिंग इंक्रीज करके क्रिएट करो। मैंने इस पूरे प्रेप में 3 टोटल चेंजेस बनाए। मैंने प्रेप 2300 कैलोरीज और 15,000 स्टेप्स के साथ स्टार्ट किया टू क्रिएट अ डेफिसिट। इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर मेरा बॉडी वेट नीचे नहीं जा रहा था एंड आई वाज नो लॉन्गर लूजिंग फैट। इस पॉइंट पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे, आइदर मैं कैलोरीज को घटा सकता था या अपने स्टेप्स को इंक्रीज कर सकता था। उस पॉइंट पे खुद को क्वेश्चन करो, कैन आई वॉक मोर और कैन आई रिड्यूस मोर कैलोरीज। मुझे चलना बहुत पसंद है और मुझे फूड कम करना बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज आई टेंड टू गेट स्लाइटली हंग्रियर। इसीलिए मैंने कैलोरीज उतने ही रखे और स्टेप्स को 17,000 पे इंक्रीज़ किया। फिर 3-4 हफ्तों के बाद एक और पॉइंट आया, फिर हमने धीरे धीरे कैलोरीज कम करना चालू किया और स्टेप्स बढ़ाना चालू किया और एट द एंड ऑफ प्रेप हम 1900 कैलोरीज पे थे और हमारे स्टेप्स 20,000 के पीक तक पहुँच गए थे। दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ डेफिसिट using the combination of food intake and activity levels. अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उन सारे लोगों के लिए जो एक 9-to-5 जॉब करते हैं, एक बहुत ही ईजी हैक
जिससे आप अपना डेली स्टेप गोल कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप दिन में 4 मील्स कंज्यूम करते हो, हर मील के बाद एक 20 मिनट वॉक पे जाओ, इससे अननोइंगली बाय द एंड ऑफ द डे आपके लगभग 8000 स्टेप्स हो जाएंगे। और ये 8000 स्टेप्स आप बिना एक डेडिकेटेड वॉक के अचीव करोगे, दैट इज़ 80 मिनट्स ऑफ टोटल वॉकिंग। और आपको सेपरेटली वॉकिंग के लिए टाइम शेड्यूल आउट नहीं करना पड़ेगा। मुझे दूसरी मेथड ज़्यादा पसंद है, मैं एट द एंड ऑफ द डे एक लंबे वॉक के लिए जाता हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी के कार्डियो फॉर्म्स के कंपैरिजन में वॉकिंग के बहुत यूनिक पर्क्स होते हैं। वॉकिंग फ्री है, वॉकिंग इस दुनिया का ऑलमोस्ट हर कोई कर सकता है, और चलने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। यू गेट टू बी विद नेचर स्लाइटली। और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट कार्डियो है, जिससे आपका वेट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और मसल ग्रोथ की रिकवरी प्रोसेस इतनी अफेक्ट नहीं होगी। चल 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 अजून एक अजून एक चल 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 ऑलमोस्ट कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन Not done yet. Chal chal chal, 5 more seconds. अजून एक क्लास
सो मैं 6.5 साल से हर रोज़ जिम जा रहा हूँ, पर इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन मेरा आज तक नहीं गया है। मेन रीज़न यही है कि 3 दिन एक डिप्लीटेड स्टेट में होने की वजह से, और उसके पहले 11 हफ्ते एक कैलोरी डेफिसिट में होने की वजह से, मैं काइंड ऑफ वो फीलिंग भूल गया था कि एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन कैसे फील होता है। इसके पहले मैं जो भी मेंटेनेंस सरप्लस फेज में था, तब मेरा कैलोरी इनटेक डिसेंट था, पर उसको होते हुए अब नवंबर दिसंबर हो गया है और मैंने पर्सनली कभी ज़िंदगी में पीक वीक का कार्ब अप नहीं किया है। तो 600 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने के बाद जिस टाइप का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अगले दिन महसूस होता है, वो मेरे लिए एक बहुत फॉरेन एक्सपीरियंस था। एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट एक्सपीरियंसेस। मैं आई कांट डिस्क्राइब, मी माझ्या मदर टंग, मी मराठीमध्ये सुद्धा सांगू शकत नाही की मला आत्ता कसं वाटतं आहे। पंप खूप दिवसांनंतर आला, फुलनेस, ये देखो, वाव, अनबिलीवेबल, ऍक्च्युली अनबिलीवेबल। और जस्ट एक सेट लगाने के बाद सब कुछ बस लुब्रिकेटेड अच्छा फील कर रहा था। ओहो, 2 days out, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे बस ये मोमेंट एंजॉय करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और आई डोंट नो व्हाट इट इज, बॉडी के अंदर बहुत ताप होने की वजह से पोजिंग में भी आसानी होती है। इट्स लाइक पोजिंग का माइंड सेट कनेक्शन भी इंप्रूव होता है। काय दिसतंय? टाइट हो गया ना फेस। डबल बाइस है, वाओ, फ्रंट कर, फ्रंट फ्रंट डबल बाइस, हाँ, शीश, माझं बघूनच पंप झालं। मी या दिवसाला जन्मभर विसरणार नाही। आय लुक इनसेन राईट नाऊ, आय एम लुक पंचिंग इन द फेस, दिस आय डोंट टेक टू हार्ट। सी आर्यन, आय टेल यू समथिंग, इफ समबडी हू हॅज अ वर्स फिजिक देन यू क्रिटिसाइज यू, नेव्हर टेक इट सिरियसली। कुठलं ब्रो, वाव,